See, question says, by dividing this polynomial px x cube minus 3x square plus x plus 2 by any other polynomial gx, we will get remainder is this, and question is this. Question is x minus 2 and remainder is minus 2x plus 4 respectively, right? So what is the polynomial gx? What is the divisor? ये पूछा है, ठीक है? तो हमें division algorithm मालूम है. What is division algorithm? Px is equal to gx into qx plus rx, ठीक है? So px is equal to gx into qx plus rx. So px लिख दो, px की जगह पे x cube minus 3x square plus x plus 2 is equal to gx. हमें निकालना है, gx को ऐसे ही छोड़ दो. इंटू क्यू एक्स हमें दिया हुआ है x माइनस टू, एक्स माइनस टू प्लस आर एक्स हमें दिया हुआ है माइनस टू एक्स प्लस फोर. तो ये चीज़ इधर जाएगी और ये चीज़ डिवाइड में जाएगी, तो जी एक्स फ्री हो जाएगा. तो जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू क्या हो गया, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस माइनस टू एक्स प्लस फोर, यही हुआ. एंड जी एक्स इज इक्वल टू, ओनली जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू प्लस टू एक्स माइनस फोर. ये ब्रैकेट खोल दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, होल अपॉन होल अपॉन ये एक्स माइनस टू नीचे आ गया. देखो प्लस टू लाइक टर्म्स ऐड कर दो, एक्स प्लस टू एक्स इज थ्री एक्स और इसको ऐड कर दो माइनस टू. सो जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू होल अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स अपॉन एक्स माइनस टू. देखो ये एज इट इज, ये एज इट इज, एक्स प्लस टू एक्स इज थ्री एक्स और प्लस टू माइनस फोर इज माइनस टू. समझ आए? बस इसका मतलब जी एक्स जो है इसको इससे डिवाइड करने पर आ जाएगा, यानी हम इसको इससे डिवाइड कर दें और जी एक्स हमारा वो होगा जो इस डिवीजन का कोशेंट आएगा, इस डिवीजन का, इस डिवीजन का जी एक्स ही है पी एक्स ही है, लेकिन जो हमारा इस डिवीजन का जो जो डिवीजन की बात हो रही है, इस डिवीजन का जो जी एक्स होगा वो इस डिवीजन का कोशेंट होगा. तो बस इसको इससे डिवाइड कर दो, क्या आएगा एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू. इसको डिवाइड करेंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस टू एक्स स्क्वायर. सो माइनस प्लस ये कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू. सो माइनस वन से माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स. ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, क्या बचा एक्स माइनस प्लस वन से एक्स माइनस कैंसिल ज़ीरो को पालो नहीं. तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये हमारा आंसर हो गया. प्रॉब्लम है किसी को क्या? देखो ये डिवीजन एल्गोरिथम है, कोई नई चीज नहीं है, ये हम पहले से जानते हैं कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है. पॉलिनोमियल के टर्म्स में डिविडेंड को लिखते हैं पी एक्स, डिवाइजर को जी एक्स, कोशेंट को क्यू एक्स और रिमाइंडर को आर एक्स. सो पी एक्स की वैल्यू पी एक्स की जगह डाल दी हमने, क्यू एक्स की वैल्यू क्यू एक्स की जगह डाल दी, क्योंकि जी एक्स की तो वैल्यू दी नहीं है, जी एक्स तो पूछा है, जी एक्स एज इट इज, आर एक्स की वैल्यू हमने आर एक्स की जगह डाल दी. अब जी एक्स को फ्री करना है, जी एक्स को निकालना है, तो जी एक्स एक साइड रहने, तो बाकी कौन, बाकी सारे पॉलिनोमियल एक साइड लाने हैं. सो इसको उठा के इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और फिर ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, ये आ गया, ब्रैकेट खोल दिया वाला तो ये साइन चेंज हो गया, फिर लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया तो ये आ गया, फिर इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड यहाँ पे किया